इतने स्टीलो है, लो रेंज की गाड़ी है, गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, आपको ये 70,000 में मिलेगी। 70 मात्र 70 में। इसका भी पेपर है, ये भी 70,000 पड़ेगा आपको। ये भी 70,000। ये 23 तक टैक्स है, 1,00,000 रुपया दाम पड़ेगा। 1,00,000 मात्र 1,00,000 रुपया। ऑटोमेटिक सेंट्रो, सबसे ज़्यादा जोर ऑटोमेटिक पर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सेंट्रो है। ये होंडा सिटी देखिए, 1,50,000 पड़ेगा। 2015 का 25 तक टैक्स, टॉप मॉडल गाड़ी है आपको, ये पड़ेगा 80,000। एकदम सिंगल पीस गाड़ी है, किसी के पास नहीं है। कम बजट का खोल रहे थे, देखिए जेन स्टीलो है यहाँ, और जेन स्टीलो पड़ेगा आपको किलोमीटर याद 60,000 मात्र, इसके मात्र 60,000। सब 60-70 से ज़्यादा। कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर एक बार आ गया हूँ टीसी मोटर में आप लोग के लिए, जो लोग आप लोग डिमांड करते एकदम सस्ती गाड़ी। तो आज का सस्ती गाड़ी यहाँ मैं लेके आया हूँ, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कम प्राइस में, और कलेक्शन भी देख सकते हैं लाजवाब। मतलब गाड़ी देख रहे हो भाई, नई गाड़ी घुसी हुई है, और प्राइस भी एकदम रिनेगोशिएबल है, मतलब एकदम कम है। तो वीडियो पूरा एंड तक रहना, और इस चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑन कर देना, जैसे कि मैंने ऐसे बनाया वीडियो आपके पास जल्दी से जल्द पहुँच सके। टियागो XT 2020 लास्ट का गाड़ी है, 4,000 मात्र चला हुआ है गाड़ी। ओनली 4,000। अच्छा, एकदम ऑलमोस्ट न्यू गाड़ी है, इसमें प्लास्टिक भी लगा हुआ है, प्लास्टिक भी देख सकते हैं, एकदम ऑलमोस्ट न्यू कार है ये। इसमें आपको सभी चीज़ अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है, लो डाउन पेमेंट में गाड़ी हो जाएगा। इसके बाद आपको ये वारंटी भी मिल जाएगा, 1 साल का वारंटी भी मिल जाएगा। इसका 5,10,000। 5,10,000 एकदम थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, बाकी फिक्स्ड है। ऑलमोस्ट नया गाड़ी है ये, ऑलमोस्ट नया गाड़ी है। फिर एक नया गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, ये आपको स्विफ्ट डिजायर है, मात्र 17,000 किलोमीटर चला हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट न्यू कार, 2020 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ, लो डाउन पेमेंट पर फाइनेंस हो जाएगा। इसका टैक्स 25 तक है, ये प्राइस पड़ेगा आपको 6,10,000। 6,10,000 i20 स्टार टॉप मॉडल है, एकदम देख सकते हैं i20 स्टार टॉप मॉडल गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी है ये। ए भी गाड़ी में फाइनेंस अवेलेबल, 2016 का 26 तक टैक्स है ये। ये इसका प्राइस, ये आपको 4,90,000 पड़ेगा। इसका 4,90,000 मतलब लगभग आपके पास सभी आज स्टॉक पूरा नया स्टॉक, पूरा नया स्टॉक है। ये जेस्ट देखिए, 2014 का 24 तक डीजल कहीं नहीं मिल रहा है, डीजल गाड़ी मिल ही नहीं रहा है अभी आज के डेट में, डीजल का अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अच्छा, ठीक ना, ये डीजल में आया है, 14 का गाड़ी, 24 तक टैक्स है, 2,00,000, ये आपको 42,000 किलोमीटर चला हुआ है, 42,000। अच्छा, ये आपको पड़ेगा 2,65,000, 265,000। एक वैगनर है, 2011 का गाड़ी है, अभी टैक्स फेल है, टैक्स फेल अवस्था में 1,80,000 पड़ेगा, टैक्स भर के 2,10,000 पड़ेगा इसको, 2,10,000। 2011 का गाड़ी, 26 तक टैक्स, किलोमीटर याद नहीं है लेकिन 50,000 के नीचे होगा। एक 2006 का गाड़ी है जो नहीं मिलता है, 26 तक CF किया हुआ है आपको, ऑलमोस्ट एकदम एक्सलेंट कंडीशन, कम दाम का गाड़ी है ये, कम प्राइस का गाड़ी है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये गाड़ी का 1,40,000 पड़ेगा दाम। अच्छा, कोई सोच लीजिए, आप लोग के साथ बिजनेस किया, वो लोग भी लेता है, वो भी ले सकता है, 3-4 गाड़ी वो भी ले सकता है। एक देखिए सेंट्रो है, ऑटोमेटिक सेंट्री कहीं नहीं मिलेगा आपको, 8 का गाड़ी है, 23 तक टैक्स है, 1,00,000 रुपया दाम पड़ेगा, 1,00,000 मात्र 1,00,000 रुपया। ऑटोमेटिक सेंट्रो, सबसे ज़्यादा जोर ऑटोमेटिक पर दीजिएगा, ऑटोमेटिक सेंट्रो है। यह टियागो जो मेरे पास ही मिलेगा, हावड़ा नंबर गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी, 2017 का गाड़ी, 27 तक टैक्स, 3,40,000 पड़ेगा। 3,40,000 कौन सा का बोला? 17 का गाड़ी है। 17 किलोमीटर थोड़ा बोलता, किलोमीटर 17,000, 17 ओरिजिनल 17,000 किलोमीटर चला हुआ। और इधर आ जाइए, अब ये कौन सी गाड़ी? नहीं, ये नहीं है, ये एक टियागो है, आपको 2017 का गाड़ी, टैक्स 27 तक करके मिलेगा, ये गाड़ी आपको 2,60,000 पड़ेगी। 2,60,000 कौन सा का बोले? 2017 27 अवधि टैक्स, बहुत बढ़िया है। ये डिजायर देखिए, 2008 का 23 तक टैक्स है, डिजायर भी काफ़ी बढ़िया है, डीजल डिजायर कहीं किसी के पास नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आप हमारे पास है, डीजल डिजायर है ये। अच्छा, डीजल डिजायर है,
160,000 दाम है इसका। कौन सा गाड़ी है? 2008 का 23 तक टैक्स है। इसका किलोमीटर थोड़ा बोल दो। किलोमीटर आपको 60-70 के आसपास होगा, याद नहीं। हाँ याद नहीं, इतना ही होगा। ये जेन स्टीलो है, लो रेंज की गाड़ी है, गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। आपको ये 70,000 में मिलेगी। 70 मात्र 70 में। इधर आ जाइए, इधर 70,000 में मिलेगी गाड़ी। ये भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। और ये कहाँ का गाड़ी है? दो बेलतला मोटर व्हीकल का गाड़ी है। बेलतला मोटर व्हीकल का पेपर भी सब अपडेट मिलेगा? सभी टोटल अपडेटेड मिलेगा। और भी स्टॉक है क्या? हाँ, और बहुत स्टॉक है। स्टॉक तो है। इधर देखिए एक लॉट ये भी है, ये आपको ये भी जेन स्टीलो है, 2007 का गाड़ी है, इसी साल इसका भी पेपर है। ये भी 70,000 पड़ेगा आपको। ये भी 70,000 मात्र 70,000। हाँ 70,000 ये भी मिल जाएगा। इसके बाद घुस पाइएगा इसमें, देखिए तो इसको यहीं से दिखा दीजिए। ये i10 है, 2010 का 25 तक टैक्स 1,40,000 पड़ेगा इसका। 1,40,000 कब का गाड़ी है? 2017 10 का गाड़ी 25 तक टैक्स। और ये वो नेक्सॉन है जो गाड़ी में। हाँ ये नेक्सॉन गाड़ी है, बिहार नंबर गाड़ी है, 2018 का 25 तक टैक्स है इसका। मतलब जो लोग बिहार से है वो लोग ये गाड़ी ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। वो वहीं NOC भी नहीं लगेगा, वहीं से हो जाएगा ये गाड़ी। सब कुछ आप लोग कर देंगे? टोटल A to Z। ये तो बिक गई है डिलीवरी के लिए। आप लोग का यहाँ नाम ट्रांसफर अवेलेबल है? सभी टोटल नाम ट्रांसफर, NOC, फाइनेंस, सबसे फास्ट अवेलेबल है, सबसे फास्ट सब मिल जाएगा। नाम ट्रांसफर करके आपको NOC उठाइएगा, 4-5 दिन में मिल जाएगा। एक सेकंड रुकिए। हाँ सदाम दा, ऑलमोस्ट नया गाड़ी नेक्सॉन 2021 लास्ट का है, यानी 22 का गाड़ी, बॉस डिमांडेड, मोस्ट डिमांडेड कलर, 6 महीना वेटिंग टाटा में। अच्छा। ये मैंने 2000 किलोमीटर चला हुआ ऑलमोस्ट न्यू कार। अच्छा, ऑलमोस्ट की न्यू कार है ये, एकदम नया गाड़ी है। जी बाबू हाँ, ये 2021 लास्ट दिसंबर की गाड़ी है। अच्छा। 21-10 दिसंबर की गाड़ी। प्राइस कितना रखने वाला? ये 11,40,000 मात्र। नया का 13,00,000 के आसपास चल जाएगा। मतलब डिस्काउंट दे के हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा कस्टमर को आने से। आइए। और ये डीजल में गाड़ी अवेलेबल नहीं है, भरना हमारे पास डीजल में अवेलेबल है, डीजल में मिल नहीं रहा है। अच्छा। ग्रे कलर का गाड़ी, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये। अच्छा। आपको बहुत कम रेट में 340 में मिल जाएगा। 340? हाँ एकदम 340। 340 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर, याद 60,000 मात्र इसके, मात्र 60,000। सब 60-70 से ज़्यादा चला गाड़ी लेते ही नहीं, हमने लेंगे तो ब्रोकर को बेच देगा डीलर कस्टमर को। ये आर्टिका देखिए, ये थोड़ा सा चला हुआ है, ओरिजिनल 1,10,000 चला हुआ है गाड़ी, लेकिन ये मेंटेन गाड़ी है, काफ़ी मेंटेन गाड़ी है ये गाड़ी, मेंटेन गाड़ी है ये। ये 2016 की गाड़ी, 26 तक की टैक्स है, 26 तक टैक्स है। किलोमीटर 1,10,000 चला, ये ओरिजिनल 1,10,000 चला। मतलब आप लोग पूरा ओरिजिनल? पूरा ओरिजिनल। प्राइस कितना रखने वाले? ये इसका प्राइस पड़ेगा 6,40,000। 6,40,000 मात्र, 6,40,000 छोड़ने का रेट एकदम। आइए बस 2 मिनट रुकिएगा सर। ये XUV500 W8 मॉडल है, मतलब महिंद्रा का, महिंद्रा का गाड़ी है, 2013 का गाड़ी, 23 तक टैक्स, W8 मॉडल है। W8 मॉडल दिखा दीजिए। हाँ तो ये भी गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये भी 1,90,000 के आसपास चला हुआ है। 90,000 के आसपास प्राइस रखने वाला? ये आपको 4,500 छोड़ने का रेट है एकदम, 4,500,000। हाँ आइए, आपको एकदम न्यू कार गाड़ी बनी। ये क्रेटा 2018 का गाड़ी, 26,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है। अच्छा। ये गाड़ी भी एकदम ऑलमोस्ट नया गाड़ी है, ऑलमोस्ट नया गाड़ी, मैकेनिकल टू टाइट, 2018 किलोमीटर 32,000 चला हुआ, एकदम डुअल टोन गाड़ी है। अच्छा। गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो इसका प्राइस आप लोग कितना रखेंगे? इसका प्राइस पड़ेगा आपको ये 9,80,000। 9,80,000 फाइनेंस भी थोड़ा सा है, फाइनेंस भी अवेलेबल है, अवेलेबल है। आइए, ये 2014 का गाड़ी, 24 तक टैक्स, सफारी स्टॉर्म कोलकाता में कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, अवेलेबल ही नहीं होगा। सफारी स्टॉर्म, सुमो गोल्ड, विक्टा ऐसा मिलता नहीं है, हमारे के यहाँ ही मिलेगा। अच्छा। आप देखिए गाड़ी बहुत बढ़िया है, 2014 का 24 तक टैक्स है, 24 तक टैक्स है। इसका प्राइस कितना? ये आपको प्राइस पड़ेगा 4,00,000 रुपया। 4,00,000 किलोमीटर
किलोमीटर अराउंड 70-75 के आसपास होगा। याद एक बात था, आप लोग का हर एक गाड़ी का सर्विस अभी सभी का मिलेगा, हमारा टाटा का तो यहीं से दे देंगे, बाकी का पता करके दे देगा। पता करके ही लेते हैं हम लोग, बिना पता के ये गाड़ी नहीं लेते। सर्विस एक पहले देखते हैं, इसके बाद पता करके बोलते हैं। सेडान गाड़ी में कौन सी? हाँ, ये होंडा सिटी है, डीजल में है। होंडा सिटी डीजल 2014 का गाड़ी, 24 तक टैक्स, 65 मात्र चला हुआ गाड़ी। 65,000। अच्छा, इसका प्राइस कितना? ये आपको 4.5 लाख पड़ेगी छोड़ने के रेट। हाँ, ये देखिए आपको सुमो विक्टा, सुमो विक्टा एसी पावर स्टेयरिंग कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ मेरे पास ही है सुमो विक्टा एसी पावर स्टेयरिंग। मात्र 2,40,000 का प्राइस है। 2,40,000, मात्र 2,40,000। और आपके पास कोई कम बजट का गाड़ी भी है क्या? कम बजट का वही 2-3 देखे, इधर सामने मिलेगा आपको। अभी स्टॉक तो नहीं है, आपके पास रहता है क्या? रहता है, मिल भी जाएगा अभी भी, मतलब आपके साथ फोन में कांटेक्ट करने से मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। रामानंद थोड़ा सा बढ़ाओ, सियाज देख लीजिए, सियाज 2017 का गाड़ी है। अच्छा। आपको 27 तक टैक्स करके देगा, 5.5 लाख पड़ेगा इसमें। 5.5 लाख? हाँ, 5.5 लाख। वेंटो है 2013 का गाइस, 23 तक टैक्स, 2,30,000। ये किलोमीटर थोड़ा पता है? किलोमीटर अराउंड 60-70 चला होगा। 60-70। ये आर्टिका पेट्रोल, एकदम फुल ओरिजिनल पेंट का गाड़ी, फुल ओरिजिनल पेंट का गाड़ी आर्टिका। अच्छा। आर्टिका देख लीजिए, ये पड़ेगा आपको ये 6.5 लाख रुपया। 6.5 लाख कम बजट का खोल रहे थे। देखिए जेन स्टीलो है यहाँ, और जेन स्टीलो पड़ेगा आपको ये 1,15,000। 1,15,000। हाँ। इसका किलोमीटर थोड़ा बता दीजिए। किलोमीटर 50 या 55 के आसपास होगा। 50-55 के आसपास होगा। ये गाड़ी देख लीजिए, i10 है, 1,90 पड़ेगा। 1,90 पड़ेगा i10 है। ये डटसन रेडिगो है, 1,70 पड़ेगा। ये गाड़ी भी देख लीजिए, 17 का मॉडल है। इसका किलोमीटर थोड़ा बता दीजिए। किलोमीटर 37,000 चला हुआ। 37,000? हाँ, 37। ये कम दाम का बोल रहे थे ना, ये देख लीजिए i10 है, 1,10,000 पड़ेगा इसका। 2008 की i10? हाँ, 2008 की गाड़ी है। 2008 टैक्स पेपर सभी वैलिड है। ये होंडा सिटी देखिए, 1,50,000 पड़ेगा, 2009 का गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है ये? 2009 की होंडा सिटी है। कितना बोले? 1,50,000 ओनली, पेपर फेल है इसका। अच्छा। बहुत सारे लोग टैक्स फेल गाड़ी लेते हैं, उन्हीं के लिए है ये, 1,50,000 में दे देगा। इसी मार्केट में सुमो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, GX मॉडल है, टॉप मॉडल गाड़ी है ये। 2015 का 25 तक टैक्स, टॉप मॉडल गाड़ी है। आपको ये पड़ेगा 4,80,000। 4,80,000 एकदम सिंगल पीस गाड़ी है, किसी के मतलब पास नहीं है। EMI फैसिलिटी सभी गाड़ी में, अभी तीनों गाड़ी दिखाया, तीनों में ही है। सभी स्टेट में डिलीवरी होगा, NOC उठा के दे देगा, डिलीवरी कहीं भी हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा से कमेंट और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑन कर दें, जैसे कि मेरे नया वीडियो आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके। और ऐसा कलेक्शन वाली गाड़ी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर है, बात कर लो, क्योंकि यहां आपको 1 महीना 2 महीना पुरानी भी गाड़ी मिलती है, नेक्सॉन की हो, कोई सा भी हो, बैटरी गाड़ी भी मिलती है। तो भैया से बात कर लीजिए कुछ भी डाउट हुआ तो। चलिए मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।